हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सो हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि पिछले कुछ समय से केसेस भी बहुत आ रहे हैं और सोशल मीडिया टीवी चैनल्स पे बहुत कवरेज भी आ रही है, लव जिहाद के बारे में, जिसमें स्पेशली जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बरगलाकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर हम तीन मुख्य धर्मों की अगर हम बात करते हैं, सनातन धर्म के अलावा जूडाइज्म, यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर जूडाइज्म की बात करें, जूडाइज्म लोगों को, अपने धर्म के बाहर के लोगों को जूडाइज्म में आने नहीं देना चाहता, उनको पसंद नहीं है। अगर कोई जूडाइज्म स्वीकार करना चाहता है, जैसे मैं सोचूं कि मैं जूडाइज्म में घुस जाता हूं, मैं यहूदी बन जाता हूं, इतना आसान नहीं है। उनके बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत वो लोग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में भी बहुत ही अनमने मन से आपको एक्सेप्ट करेंगे जूडाइज्म के अंदर। तो यहूदियों की बात अलग है। क्रिश्चियनिटी में देखें, क्रिश्चियनिटी में शुरू से एक मिशनरी की भावना रही है, वो लोग शुरू से दुनिया के कोने कोने में जाके लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं, बाइबल का संदेश दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पर वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। स्पेशली भारत में अगर हम देखें तो भारत में जीसस क्राइस्ट की बहुत उल्टी सीधी फ़ोटोएँ हिंदू देवी देवताओं भगवान से जोड़कर वो फ़ोटो को छाप के और खुद भगवे कपड़े डाल के वो लोग ईसाई धर्म को पैसा फेंक कर, आसाम में मैंने देखा ऐसे पैसा फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, फ्री एजुकेशन, पैसा देखे गाड़ियाँ घर बनाने के लिए, आप क्रिश्चियन बन जाओ सब कुछ मिलेगा आपको, इस तरह से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बाइबल का संदेश, जीसस क्राइस्ट का संदेश अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है, अगर उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो ऐसे ओछी जो हथकंडे हैं उसको शायद अपनाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़े। इस्लाम की अगर बात करें, इस्लाम का संदेश भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, अल्लाह से, भगवान से प्यार करने की, ऊपर वाले से प्यार करने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये लव जिहाद की बात है, लोगों को झूठ बोलकर जो संबंध झूठ और धोखे पर आधारित है, वो आप उसको एक सच्चा धर्म परिवर्तन का रास्ता आप नहीं कह सकते, लोगों को जबरन करना। स्पेशली मैंने पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पढ़ा था, हर साल 1000 से ज़्यादा, ऑफिशियली ऑफिशियल डेटा, 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन शादी कर लेते हैं मुसलमान और उनको मुस्लिम बना लेते हैं। कोई नहीं बोलता वहाँ पर, यहाँ पर शोर मचाने के लिए सारे तैयार हैं, उधर कोई नहीं बोलता वहाँ पर। धर्म परिवर्तन करना हर किसी का अपना एक मौलिक अधिकार है, आप करो, लेकिन पूरी जानकारी के साथ करना चाहिए। पैसों के लालच में या धोखाधड़ी से किया गया धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं होता, और लोगों में गलत भावना भी इसके अंदर पैदा होती है। गवर्नमेंट, मैंने सुना है, रूल आ रही है कि लड़कियों की आयु 21 वर्ष कर देंगे मैरिज की, उससे डेफिनेटली कुछ रोक लगेगी, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ और है। बैकग्राउंड क्या है, अगर हम पिछले 25 साल के अंदर हम देखें, जो 1995 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, लड़के और लड़कियां, आप देखो, माइक्रो फैमिली शुरू हो गई थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया थैंक्स टू गांधी फैमिली, और वो सिस्टम ख़त्म होने से क्या हुआ, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है, कौन रोटी खिला रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई उन पे बेसिकली ध्यान नहीं दे रहा, कोई उन पे कोई नज़र नहीं रख रहा उन पे। तो जब कोई नज़र नहीं रख रहा, ऊपर से उनको पैसा कमाने की मशीन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सफलता की कसौटी है कि भाई कितने लाख रुपये महीने कमा रहा है, ये सफलता की कसौटी हमने तय कर दी। उसके चलते वैल्यू सिस्टम हमारे बिल्कुल ही धराशायी हो गए। आप देखो, महाभारत के युद्ध में 5000 साल पहले अर्जुन कितना परेशान था, अर्जुन ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था कि अगर सारे पुरुष खत्म हो गए, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल स्त्रियां, अगर कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो आगे बच्चे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर का मतलब है वो बच्चे जिनके पास में कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, जिनको अपने धर्म के बारे में कोई ना जानकारी है, ना कुछ लेना देना है, जीवन का लक्ष्य क्या है कोई लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं। तो भगवान ने उनको बताया कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो वो अधर्म है, युद्ध करना अधर्म है, उससे कुल की स्त्रियां बचेंगी। तो अर्जुन ने फिर युद्ध किया, धर्म की स्थापना हो गई।
तो 5000 साल पहले जो चीज़ जिसके बारे में हम लोग चिंतित थे, अर्जुन चिंतित था, आज भी वो चिंता का विषय है। कानून बनाने से मदद मिलेगी लेकिन वो अपने आप में पूरा इलाज नहीं है। कानून बनाने से समस्या हल नहीं होती, सपोर्ट मिल जाती है उसको। समस्या का हल है कि हमें अपने बच्चों को वो वैल्यूज़, वो शिक्षाएँ, हमें उनको वो चरित्र प्रदान करना पड़ेगा। उससे पहले हमें खुद अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। मतलब क्या है कि पहले हमें भगवद गीता भागवतम का अच्छे से श्रवण पठन उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण, भगवान राम, वामन देव, वराह देव, हमें उनकी शरण बेसिकली स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर हम अपने बच्चों को जब श्रीमद् भागवतम और हमारे दुनिया भर के पुराने महाभारत है, हम उनको उनमें जो भगवान की अनेक लीलाएं हैं उसकी हम उनको कथाएं सुनाएंगे, भगवान के प्रति रुचि आ जाएगी, उनको लेके हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे भगवान के सामने उनको माथा टेकना सिखाएंगे, चरणामृत लेना, प्रसाद लेना उनको हम सिखाएंगे, धीरे धीरे बच्चों के मन में वो आस्था आ जाएगी। कुमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो बचपन से अगर सिखाओ तो बात बन जाती है। बचपन में कोमल श्रद्धा होती है, जो बच्चे को सिखा दिया वो बच्चा पूरा जीवन उसको करता रहता है। मैं खुद अपना जीवन परमाणु, हम बचपन से हमें जो माँ बाप ने सिखाया हम उसको आगे पकड़ के और फिर प्रभुपाद की शरण मिल गई और आगे बढ़ गए। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि अगर आप लोग चिंतित हो इस लव जिहाद के लिए, तो इसका इलाज सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को पुनः स्थापित करना है, अपने आदर्श से बच्चों को सिखाना है। आप पहले खुद पढ़ें भगवद गीता भागवतम को, हमारे पुराणों को, महाभारत को, रामायण को, और फिर उनकी शिक्षाएं अपने बच्चों को पढ़ के सुनाएं। और बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, इस कौन के अंदर हजारों लाखों ऐसे प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, जिनके पास आप जाके अपनी किसी भी समस्या का कोई भी क्वेश्चन आप उनसे जाके पूछ सकते हो, वो आपको उसका संतोषजनक उत्तर देंगे। इससे आपकी धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी कि ये अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक है पूरी तरह से। आपकी आस्था बढ़ेगी, आप अपने बच्चों को जोड़ोगे, और फिर जब बच्चों का चरित्र मजबूत हो जाएगा तो फिर कौन सा लव जिहाद, कौन किसी का क्या बिगाड़ लेगा, सब अपने आप अपने चरित्र में स्ट्रांग होंगे, धर्म के प्रति आस्था लेके चलेंगे। ये लव जिहाद से भी बचेंगे, समस्याओं से, तनावों से भी बचेंगे, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाने का अधिकारी भी बन जाएंगे। और बताओ आपको क्या चाहिए। विन विन सिचुएशन इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी। सिंपल काम करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना, मंदिरों में जाना, भक्तों से मिलना, उनसे जिज्ञासा करना, ये करोगे ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।